हाँ जी नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा रिगार्डिंग मास बाय जीएचसी के स्किन ग्लो सीरम के बारे में। इट्स अ विटामिन सी सीरम जो कि नाइसिनमाइड के साथ भी आता है। तो एक तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि भैया हमें कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस मॉइस्चराइजर के साथ लगाना है, सनस्क्रीन कब लगानी है, ये पर्टिकुलर सीरम सुबह लगाना है या शाम को लगाना है या रात को लगाना है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स में आपने सवाल पूछे थे, तो हर एक सवाल को मैं एड्रेस करने वाला हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आप इस चैनल पर इनकेस पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है मास बाय जीएचसी का स्किन ग्लो सीरम। एज द नेम सजेस्ट इट्स अ स्किन ग्लोइंग सीरम नॉट अ व्हाइटनिंग सीरम। तो सबसे पहले तो आपका यही डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि इट्स अ स्किन ग्लो सीरम, ये ग्लो लाता है ना कि स्किन को व्हाइट करता है। एंड इसी के साथ ही इसके बेहतरीन जो इंग्रेडिएंट है वो इसे खास बनाते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा 5% की कॉन्सेंट्रेशन में नाइसिनमाइड जो कि आपके एक्ने को कम करता है, ऑयलीनेस को कम करता है, पोर्स को श्रिंक आउट करता है, साथ के साथ ही आपको एक सफल स्मूथ स्किन देता है। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव इज विटामिन सी विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट। और इसमें से जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है दोस्तों ये आपके चेहरे पे देखने वाला है, ये आपके सनटैन को हटा देता है। सेकेंडली ये आपके एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उसे सही करता है। इट्स अ कामिंग एजेंट जो काफी अच्छे तरह से काम करता है। द थर्ड इंग्रेडिएंट वी हैव इज टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आता है और आपके एक्ने को फर्दर ऑन होने से बचाता है। इनफैक्ट अगर आपके कहीं कट वगैरह भी लग जाता है तो उसको भी हील अप करने में आपकी रिकवरी को फास्ट कर देता है। द फोर्थ इंग्रेडिएंट वी हैव इज मुल्तानी मिट्टी। अपने फुलर्स अर्थ का नाम सुना ही होगा, बहुत बचपन में हम यूज करते आते थे, उससे नहाते भी थे। तो फुलर अर्थ आपके एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है, साथ के साथ ही आपके चेहरे पर एक्ने को होने से बचाती है। तो दीज आर ऑल द ग्रेट इंग्रेडिएंट्स यू विल फाइंड इन दिस सीरम। एंड इसी के साथ ही ये जो सीरम है ये कंबाइन एक पैकेज है आपके एक्ने एंड एक्ने के स्कार्स के लिए। सो ये तो है इस पर्टिकुलर सीरम का डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं आपके मन में उठने वाले सारे सवालों की ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आइए तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि शुड आई यूज मॉइस्चराइजर आफ्टर यूजिंग दिस सीरम एंड व्हाट विल बी द टाइम गैप बिटवीन द टू। मतलब सीरम और मॉइस्चराइजर के बीच में कितना टाइम गैप रहना चाहिए, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सीरम लगाया उसके बाद आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही टाइम गैप की मैं बात करूँ तो आपको कोई भी टाइम गैप ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। सीरम और एंटी एक्ने जेल जो इनका आता है मास बाय जीएचसी का, क्या वो एक साथ लगा सकते हैं? ब्रो जो एंटी एक्ने जेल आता है इनका उसमें आपको सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है एंड बिकॉज सैलिसिलिक एसिड इज अ BHA दैट इज वाई वो ड्राइनेस कर सकता है। एंड स्पेशली नॉर्थ की तरफ अगर आप रहते हैं, विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स की वजह से आपको ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एंटी एक्ने जेल रात में लगाइए एंड अगर आप ये सीरम लगाते हैं तो इसे दिन के समय लगाइए। क्या ये सीरम गोरा करता है? मैंने पहले शुरुआत में बताया कि ये सीरम गोरा नहीं करता। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या ये गोरा करता है। अगर आपको गोरापन चाहिए तो उसके लिए आप स्किन वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कीजिए। मैं लिंक डाउन कर दूंगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड सेफ है। अगला क्वेश्चन है कि हमने अगर इसे रात में लगाया तो कितने देर बाद हमें अपना मुंह धोना चाहिए, कितना टाइम इंटरवल रहना चाहिए सीरम को लगाने के बाद और मुंह धोने में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आपने इसे रात में लगाया तो सुबह आप अपना मुंह धो सकते हैं एंड अगर आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो शाम को अपना मुंह धो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर आई हैव पिंपल्स ऑन माय फेस, विल दे बी क्योर? डेफिनेटली बिकॉज इट हैज विटामिन सी एंड नाइसिनमाइड, इन दोनों का कॉम्बो काफी अच्छा काम करता है आपके पिंपल्स पे एंड उसके मार्क्स पे भी। अगला सवाल है कि ऑयली स्किन टाइप के लोग के लिए सीरम कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको नाइसिनमाइड, विटामिन सी एंड मुल्तानी मिट्टी देखने को मिल रहा है एंड विटामिन सी एंड मुल्तानी मिट्टी कंबाइन होकर आपके एक्सेस ऑयल को सक आउट कर लेते हैं। एंड इसी के साथ इन्होंने पूछा है कि इसके साथ हम कौन सी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। आप इसके साथ यूवी डॉक्स या फिर सेटाफिल या फिर आप सनक्रॉस, एक्ने यूवी, ये सारी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगेन इन सारी सनस्क्रीन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर हम धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो धूप में जाने से पहले क्या हम इसे लगा सकते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि आप लगा तो सकते हैं लेकिन इसके बाद आपको एक अच्छी सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। अगला सवाल है कि भैया इसको लगाने के बाद मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा काली और ऑयली लगती है। दैट्स बिकॉज कि आप कोई भी सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं। सो डू रिमेंबर कि आपको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना ही अपना फेस। अगला क्वेश्चन है कि डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स क्या हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं इस सीरम से? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। डार्क स्पॉट्स कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं लेकिन डार्क सर्कल्स आप पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा कोई भी सीरम में इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने डार्क सर्कल्स को कभी भी परमानेंटली रिमूव नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी क्लिनिकल प्रोसीजर। तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, वो क्लिनिकल प्रोसीजर करते हैं, उसकी मदद से आप परमानेंटली डेफिनेटली अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई इसको लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? भाई साइड इफेक्ट तो यार अमृत पीने के बाद भी हो जाता है। हर एक स्किन टाइप अलग अलग होती है तो कई बार कुछ लोगों में हद से ज्यादा आपको
रेडनेस, इरिटेशन, इचिनेस ये सब देखने को मिलती है, इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो पिंपल की वजह से गड्ढे हो जाते हैं, जैसे हम एट्रॉपिकल स्कार्स भी कहते हैं, तो क्या वो भर सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट कोई भी दुनिया का सीरम या क्रीम आपके वो एट्रॉपिकल यानी कि गड्ढों को नहीं भर सकता। रिमेंबर, अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा, उन्हें बचाइए और अच्छे फिलर्स में इन्वेस्ट कीजिए। फिलर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल आपके कोलेजन होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वहां से आपको गड्ढा को भरा जाता है वाय डर्माटोलॉजिस्ट। सो ये क्लिनिकल प्रोसीजर है, आप अपने पैसे को बचाएं, फालतू में इन्वेस्ट ना करें फालतू की चीज़ों में, इस उम्मीद में कि कोई भी सीरम आपका गड्ढा भर देगा, नहीं भरेगा। सर कितने दिन में इसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है? हद से 6 से 8 हफ्ते लगते हैं किसी भी सीरम को काम करने में, इतने दिन आपको इसको वर्क करने में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या ये मेरा फेस पे टैन हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है, बिकॉज इट हैज विटामिन सी ऑफ कोर्स अलोंग विद मुल्तानी मिट्टी जो कि आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके सारे के सारे सवाल, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब को एड्रेस किया हो अच्छे से और आपको आपके जवाब मिले हों। इसी के साथ ही अगर आप इस तरह के सीरम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सीरम इसके साथ ही जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने एक्ने को या एक्ने के स्कार्स को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पे या हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा है, डू ज्वाइन द कम्युनिटी। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।